गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने अपने वादे के मुताबिक आपका 10th चैप्टर समाप्त करवा दिया, यानी पार्ट 6 आपके सामने पहुंच चुका है, अपलोड हो चुका है। और मैंने वादा किया था कि कुछ अगर जो 10th का कुछ वैसा पार्ट बाकी रह जाएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। तो वही करने आया हूँ कि आज का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा आपका 10th समझने का आसान तरीका, यानी कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे कि हम लोग अपने 10th को समझ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो जल्द से अपना तैयार कर ले नोटबुक, क्योंकि मेरी आदत है नोटबुक खुलवाने की, यानी मैं लिखने पे ज्यादा विश्वास करता हूं। अगर आपके पास लिखा रहे बार बार आप मोबाइल खोलकर देख नहीं सकते हैं, बार बार मोबाइल फोन खोलकर आप देख नहीं सकते, लेकिन नोटबुक रहेगा तो जब भी आपकी इच्छा करेगी आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज डियर, आप अपना नोटबुक निकाल लें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने की लगातार मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग का भरपूर योगदान रहा है, बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, आप लोग का लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपको बार बार नमन करता हूँ, जो कि हमारी भावनाओं को आप समझ रहे हैं। तो फिर आइए देखते हैं 10th समझने का आसान तरीका। तो सबसे पहले बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट, और हाँ एक कमेंट आया था कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपने डबल एडेड सेंटेंस किया था उसको फिर से समझा दिए। बिल्कुल डियर, इस पार्ट के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। पहले देखते हैं 10th समझने का आसान तरीका। 10th आपका पहुंच गया है, यानी अपलोड हो गया है 10th 6 का 6 पार्ट। यानी आइए देखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का हम लोग ध्यान देते हैं कौन सा सब्जेक्ट होता है। यानी सबसे पहले एम का जो प्रयोग होगा, यानी एम इज यूज्ड ओनली विथ आई, यानी एम का प्रयोग आई के साथ होगा। ये आई लिखिए या आप अपने स्टाइल में लिखिए, तो एम का प्रयोग आई के साथ होगा। अब देखते हैं कि आर का प्रयोग कौन सा हेल्पिंग है ना, आर का प्रयोग कौन सा सब्जेक्ट के साथ होता है, तो बी के साथ आर होगा, यू के साथ आर होगा, दे के साथ आर होगा, एंड प्लुरल नंबर का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन और थिंग, प्लुरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। फिर देखिए इज का प्रयोग किसके साथ होगा, तो देख लीजिए ही के साथ इज होगा नियर, ही के साथ इज का प्रयोग, सी के साथ इज का प्रयोग, इट के साथ इज का प्रयोग, और सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग होगा। सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग होगा। सबसे पहला चीज, अगर जो ट्रांसलेशन आप शुरुआत करते हैं, सेंटेंस बोलना आप शुरू करते हैं, तो ये कॉमन वर्ड है, कॉमन हेल्पिंग वर्ब है आपका। वर्ब का चैप्टर का भी कमेंट आया तो उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, प्लीज वेट फॉर दैट मोमेंट, आई विल श्योर टीच दैट चैप्टर। तो आइए देखिए, एम का प्रयोग आई के साथ होगा, आर का प्रयोग बी यू दे प्लुरल नंबर के साथ होगा, और इज का प्रयोग ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें डियर, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है, टेंस को फिर से समझा देना है एकदम छोटा चैप्टर बना के। पार्ट वाई पार्ट आपको तुरंत ऐसा रूल्स बता देंगे, ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप आसानी से उसको समझ लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा हम चिंतित है कि अपने बच्चे को किस ढंग से पढ़ाएं कि वो शुरू से छोड़ के किसी दूसरे का इंग्लिश चैनल नहीं देखे। तो विश्वास बनाने के लिए पहले उस लाइक काम करना पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए ज्यादा इरेज नहीं करने की जरूरत है, बहुत सारे हैं, आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में, लेकिन मैं आसानी से कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे एक में कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है ना, बाकी एम का आई का प्रयोग जो होगा वो अब बताया जाएगा। वो केवल एम इज आर में आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने साथ ओनली एम का प्रयोग लेता है, केवल और केवल एम का प्रयोग लेता है। तो देखिए ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दूंगा। तो अब देखिए उसके बाद आता है वाज का प्रयोग, उसके बाद आता है वर का प्रयोग। तो वाज का प्रयोग होगा आपका है ना, वाज का प्रयोग होगा आपका ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ है ना, जबकि वर का प्रयोग होगा आपका बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लुरल नंबर के साथ, यानी प्लुरल नंबर के साथ है ना वर का प्रयोग होता है, और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। फिर से देख लेंगे बी यू दे,
और प्लुरल नंबर के साथ वर का प्रयोग, जबकि ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग है। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर, नहीं तो नोटबुक पे लिख रहे हैं, और अगर जो आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका रिवीजन करते चले। लेकिन सबके लिए मैं ये बोलता हूँ, आप अपना नोट तैयार कर ले, बाद में किसी को दिखाएंगे देखो मैंने यूट्यूब से पढ़ा सही है नहीं, बाद में दिखाएंगे, कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आप लोग गलत पढ़ाते हैं, जो मैं गलत पढ़ाऊंगा तो आप कमेंट मेंशन डालिए, आपका हर एक कमेंट सुना जाएगा, आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आइए ये हो गया, फिर चलते हैं हम लोग, है ना, हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग, फिर से वही चीज देख लेंगे। बी के साथ एकदम आसान तरीका से एकदम पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं, बी के साथ हैव का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, दे के साथ हैव का प्रयोग, और प्लुरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग। आइए हैज का प्रयोग देखते हैं, ही के साथ हैज, इसी के साथ हैज, इट के साथ हैज, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज। स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर, टेंस समझने का आसान तरीका किस प्रकार से समझेंगे, तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है तब ना सीखेगा डियर, ऐसे में आसान टॉपिक नहीं ले लिया हूं, इसलिए मैं बोला हूं जीरो लेवल टू अपर लेवल, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, आप लोग भले ही सोच रहे होंगे कि सर झूठ बोल के निकल रहे हैं अपने चैनल को आगे बढ़ा के, जिन्हें मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, है ना, जितना अच्छा से अच्छा पढ़ा दूं ताकि मेरा नाम आप लोग आगे तक करे, है ना, और मुझे अपना एक सब्सक्राइब लाइक देकर मेरा इंकरेज करे, मुझे ताकत दे, मुझे उत्साह दे, ताकि इसी तरह से आगे भी काम करते रहूं और आप सबों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मैच के बाद आती है बारी डू का और डज का, तो डू का प्रयोग हो जाएगा डियर आपका, है ना, वी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, प्लुरल नंबर के साथ डू, डज का प्रयोग होगा डियर, ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, और सिंगुलर नंबर के साथ डज हो जाएगा डियर। ये देखेंगे आप, जो जो आप देखिए डिड में क्या बताना है आपको, डिड तो सभी सब्जेक्ट के साथ वैलिड है आपका, डिड इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। हैड क्या बताएंगे आपको, हैड का भी प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको एकदम समझा रहे हैं, आप विश्वास कीजिए मेरे चैनल पे, अगर जो नए जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमको बहुत सारा ताकत और उत्साह दे देती है, जिससे कि हम आगे अपने काम में अग्रसर होते हैं। तो आइए देखिए डिड और हैड का नहीं, डू डज का प्रयोग हो गया, अब देखिए डू डज के साथ आता है आपका क्या, बता दिए थे टेंस में कि वन या डू रहेगा तो उसको किसके साथ वैलिड करना है, अप्लाई करना है, वी के साथ डू भी होगा, वन भी होगा, यू के साथ वन भी होगा, डू भी होगा, दे के साथ वन ही होगा और डू भी होगा, प्लुरल नंबर के साथ वन और डू होगा, डज और क्या इसका पेयर बनता है, V5 का बनता है, यानी ही के साथ V5 डज का प्रयोग, सी के साथ V5 डज का प्रयोग, इट के साथ V5 डज का प्रयोग, सिंगुलर नंबर के साथ V5 डज का प्रयोग। अब देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आए, थोड़ा सा बड़ा ये कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं सर आप छोटा छोटा लिखते हैं, नहीं डियर कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन अच्छा आपके पास वीडियो जाए ये मेरी कामना है, आपके हर एक कमेंट को सुना जाएगा, यहाँ पे हमारी जो गलती है, हम में जो कमियां हैं आप बताएं हमको, हम आपका एकदम स्वागत करते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू सर्च एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आप ढूंढने में आपका बिल्कुल स्वागत है। तो आइए ये हो गया आपका, इस प्रकार से सब्जेक्ट को हमने सीख लिया कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ वैलिड होगा। अब देखिए, अब चलते हैं टेंस की दुनिया में, वो तो आसान पार्ट था, अब टेंस की दुनिया में चलते हैं, एक बार तो मैंने सारा पार्ट पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। अब देखिए क्या करना है आपको, एकदम छोटा नियम में करना है आपको, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहचानेंगे कि हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये ही लगा हुआ रहेगा आपका, जब भी डू डज या V1 या V5 आ गया, आप एकदम बेहिचक समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। एक बार फिर से, डू रहे, डज रहे, V1 रहे, V5 रहे, आप समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और पहचान क्या था डियर उसका, है ना, ता है, ती है, ते है, ते हो। आइए देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, अब अगर जो लगा हुआ
प्लस भी फोर लगा हुआ रहे तो आप उसको समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिसका पहचान क्या दिया हुआ रहता है डियर, पहचान रहता है आपका दिया हुआ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये पहचान दिया हुआ रहता है आपको, तो ये समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। एकदम छोटा भी बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा भी ये भी चल रहा है, स्ट्रक्चर भी आ रहा है, आगे क्या बताएं आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पढ़ा दिया गया, बस समझना क्या चीज है, कैसे हम एग्जाम में देखेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे सेंटेंस को देखते ही कि ये कौन सा टेंस से रिलेटेड है। तो डू डज वी वन वी फाइव देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, ठीक है, हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे हैं उनको हिंदी पढ़ने की जरूरत है, तो देखेंगे आपका राम गोज टू पटना वी फाइव आ गया आपका, यानी वर्ब फाइव, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। सी डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानती है, तो वो डज आ गया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना जी। डू आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो डू आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, इस ढंग से ही हो जाएगा। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, है ना। वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, है ना। फिर रहेगा सीता इज गोइंग टू डांस, सीता नाचने जा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर लगा हुआ रहे आपका हैज हैव प्लस भी थ्री रहे दिया हुआ, तो इसको समझेंगे कि कौन सा है डियर, बताइए, पढ़ लिए हैं तब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ रहेगा हिंदी वालों के लिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या तो फिर लगा रहेगा डियर क्या आपका, या है, ये है, ई है, या दे रखेगा आपका आ है, कुछ भी नहीं, आपको बता दिया गया है, केवल आसान ढंग से एकदम छोटा में कैसे समझ सकते हैं, हैज प्लस बी3 आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम ने मुझे पीटा है आ गया, तब वहां पे पीटा में आ रहा है डियर, तो पीटा है, तो राम हैज बीटन मी, यानी सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर बी3 ऑब्जेक्ट रहेगा, कर देंगे, पढ़ा दिया गया है आपको। फिर देखिए, अगर रहेगा दिया हुआ आपका has have plus been plus before, है ना, ये दिया रहेगा आगे, तो आप जानते हैं, पढ़ा दिया, फिर भी बता देता हूं मैं, फोर या सिंस रहेगा और टाइम रहेगा, तो ये क्या आपका लगा रहेगा, ये हो जाएगा आपका been वाला, जब भी रहेगा तो हमेशा और हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में has had been रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में had been रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल हैव बिल हैव बीन रहेगा, यानी बीन जिसमें लग गया वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और हैव हैज हैड सेल हैव बिल हैव प्लस बी3 आ गया वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, प्रेजेंट का इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किन्हीं लोग का भी कोई कमेंट आता है तो मैं उसे बेहचर देखता हूं, आप कमेंट करने से ना चुके, आप कमेंट भी करें, पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो कम से कम इंक्रेज करने के लिए कुछ कुछ रंग का आप वर्ड लिख के दें, खराब चल रहा है तो आप अपना सुझाव दें कि सर है ना इसको और बेहतरीन ढंग से कीजिए, बहुत अच्छा से किया जाएगा डियर आपका, हमको सर नहीं लगेगा कि बच्चे ने मुझे बोला कि सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, आप जितना कंप्लेन करेंगे उतना इंप्रूवमेंट मुझ में होगा डियर, है ना। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको पहचाने कैसे करेंगे, तो लास्ट में लगा रहेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, और क्या बताए थे डियर, याद कीजिए, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, और साथ में रहेगा आपका क्या, टाइम इंडिकेशन, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, टाइम कम है डियर, क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं सर वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं क्या करूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें डियर, एक से एक नए नए स्टूडेंट्स को जोड़े जो भी अभी तक अननोन है, है ना, तो सोनू सर के बारे में बताइए किस ढंग का आप पढ़ाते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइए, खराब लग रहा है तो वो भी बताइए कि सोनू सर खराब पढ़ाते हैं, मुझे चैनल को नहीं सब्सक्राइब, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर मैं खराब पढ़ा हुआ है तो
देखोगे मुझे, कोई देखने वाली बात ही नहीं, बढ़िया पढ़ाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को जोड़ा करो। अगर आपको मैं बढ़िया पढ़ाई दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की काबिलियत रख रहा हूँ, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जुड़े। तो आइए इस प्रकार से प्रेजेंट वाला क्लियर हो गया है, पास्ट में बहुत ज्यादा समय ले लेंगे, तुरंत ही करेंगे डियर आपको एकदम फ्री, लेकिन देख रहे हैं छोटा तरीका आप देखिए तुरंत सीख जाइएगा, छोटा तरीका एकदम, इसीलिए आप लोग के लिए ही आज सोच रहा था मैं किस प्रकार करूं कि बच्चे के लिए स्पेशल वीडियो दूं, कुछ स्पेशल सेंटेंस भी रहेगा आपका दिया हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब जिसमें लगा रहेगा आपका वी टू और डिड लगा रहेगा, वी टू और डिड लगा रहेगा तो वो चलेगा आपका पास्ट इंडिफिनिट में, क्या चलेगा पास्ट इंडिफिनिट में, या तो रहेगा या, ये ई ब्रैकेट में रह सकता है आपका था थे थी। सर वी टू लगाएंगे डिड कैसे लगाएंगे, तो डिड लगाएंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस में लगाइएगा, ऐसे तो स्पेशल अफर्मेटिव रहे तो केवल और केवल वी टू पूरे टेंस का अफर पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जो केवल और केवल अपने साथ वी टू लेता है, बाकी दूसरा कोई भी नहीं वी टू लेगा आपका। फिर देखते हैं हम लोग बाज वर प्लस वी फोर है ना, तो ये किसका है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है, यानी पहचानने का तरीका, तो रहा था रही थी रहे थे आदि लगा रहता है आपका। एक चीज और डियर, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका जैसे ये देख लीजिए सिंपल सा देखिए प्रेजेंट का उठाते हैं, प्रेजेंट में लगता है आपका रहा है रही है रहे हैं, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है रहा है रही है रहे हैं, तो सर हम समझेंगे किस प्रकार के कंटिन्यूअस में बनाना है, यह परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, अगर जो रहा है रही है रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो इसके साथ हर हालत में टाइम रहेगा, दो दिनों से चार दिनों से पांच वर्षों से पांच महीने से कई दिनों से ये आपका रहेगा दिया हुआ। लेकिन अगर जो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस में रहेगा, मैं पटना जा रहा था तो कोई टाइम नहीं है, है ना, मैं दो दिनों से पटना जा रहा था इसमें टाइम है, तो जिसमें टाइम आ गया रहा था रही थी के साथ वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिर्फ रहा था रही थी है वो हो जाएगा आपका है ना पास्ट कंटिन्यूअस, और टाइम से रहेगा रहा था रही थी रहे थे विद टाइम तो हो जाएगा आपका कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस किसी का भी रहे आपका है ना, तो इसको समझ लीजिएगा। आइए फिर थोड़ा सा भी कुछ डॉट रहता है मन में तो मैं ही बता देता हूँ, अभी लाइव क्लास दे नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी में आपका दिक्कत है, जैसा कि लॉकडाउन सेशन चल रहा है तो आप लोग भी समझ सकते हैं, जो मेरा बराबर खराब आवाज थोड़ा सा इको कर रहा है तो वही कारण है कि होगी शॉप्स वगैरह नहीं खुली रहती, दुकानें नहीं खुली रहती, जिसके कारण कि मैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ बड़े, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपको स्टूडेंट से थोड़ा जो कष्ट करके भी मेरा देख रहे हैं लगातार, लेकिन जरूर पूरा वीडियो देख रहे डियर, अगर जो आपको सीखना है जीरो लेवल टू हीरो लेवल कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को जो देख रहे होंगे तो आपके लिए भी चैलेंज है, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया शुरू से मेरा जितना वीडियो जाएगा, अगर जो इंग्लिश में आपने बढ़िया नंबर नहीं लाया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं फोन नंबर डाल दूंगा इसमें, मैं फोन नंबर डाल दूंगा आपको, फिर बोलना आप है ना कमेंट में मांग लेना कि सर नंबर दे दो, आप बोले आप वो सुन नहीं आया है तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स भी देखेंगे और जो भी इंग्लिश में वीकर स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए। आइए फिर देखते हैं हैड प्लस वी थ्री, तो ये क्या हो जाएगा हैड प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें रहेगा आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा हिंदी में, यानी पहचानने का, चुका था चुकी थी चुके थे, चुका था चुकी थी चुके थे, या तो इसमें रह सकता लास्ट में या था ई थी ए थे, जो है आपका इस प्रकार से रह सकता है, और इसमें भी डबल एडेड सेंटेंस आता है डियर आप समझें, जो मुझे कमेंट
किए थे फ्यूचर परफेक्ट पार्ट 6 में, कि सर थोड़ा सा फिर से समझा दीजिएगा। तो डबल एडेड सेंटेंस में कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको बताया गया था, देखिए एग्जांपल देके मैं बोल रहा हूं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दोनों चीज सेम है डियर, नियम सिर्फ चेंज है, देखिए क्या सेम है आपका, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यदि पास्ट टेंस में दो काम हुआ, पहला का एक काम हुआ डॉक्टर का आना और दूसरा काम हो गया रोगी का मर जाना। अब देख आपको पता लगाना है कौन सा काम पहले आया, पहले डॉक्टर आया या पहले रोगी मरा, आपको देखना है आपको। तो देखिए पहले डॉक्टर आया या पहले रोगी मरा, तो देख लेंगे आप। तो पहला तो रोगी मर गया, तो फर्स्ट वर्ब को डबल एडेड सेंटेंस में करना क्या है, फर्स्ट वर्ब को बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी3 के स्ट्रक्चर से, यानी पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से। और जो आपका सेकेंड वर्ब होगा डियर, जो आपका सेकेंड वर्ब होगा डियर, उसको बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट प्लस वी2 से। तो वही देखना है, रोगी मर चुका था तो द पेशेंट है ना, फिर स्ट्रक्चर फर्स्ट वर्ब जो है हैड, फिर मरना का वी3 डाइड, फिर पहले का क्या रहता है डियर दिया हुआ बिफोर, फिर क्या है आपका सेकेंड वर्ब का सब्जेक्ट पहले तो द डॉक्टर, फिर क्या है सब्जेक्ट के बाद केम, यानी फर्स्ट वर्ब को करना है पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी3, और सेकेंड वर्ब को करना है आपका पास्ट इंडेफिनिट जो कि स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वी2। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर रहेगा आपका हैड प्लस बीन प्लस वी4, और आपको तो बता ही गया है कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो रहेगा, उसके बाद रह सकता है फोर या सिंस प्लस टाइम। तो ये हो जाएगा आपका बीन वाला कोई भी पार्ट रहे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, हैड है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव हैज बीन रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शैल हैव बीन विल हैव बीन रहेगा तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से देखेंगे ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कराना भूलिए डियर, इसलिए मैं बीच में बोलता हूँ, आप लोग बोलते होंगे सर बीच बीच में आप पढ़ाने के बाद सब्सक्राइब करो, भी सब्सक्राइब नहीं होगा तो मेरा उत्साह नहीं पड़ेगा, मैं जानूंगा कैसे कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। अभी तक तो आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, एक दूसरे को शेयर किया है आपने, मैं मेरे सर्कल में भी जो भी था उसको बोला मैं स्टार्ट किया जी सर लिंक भेजें, आप मैं लिंक दिया थोड़ा सब्सक्राइब किया, उन्होंने बहुत लोगों को फॉरवर्ड किया, तो आप लोग भी फॉरवर्ड करें अपने आपके रिलेटिव जो फ्रेंड्स आपके हैं उनको आप फॉलो करें, उनको आप शेयर करें और बताएं कि इस ढंग की पढ़ाई हो रही है। आप भी एक बार वीडियो देखो पूरा, तब समझ में आ जाएगी ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। इसका रह सकता है आपका पहचानने का तरीका, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या तो फिर रहेगा दिया हुआ है ना दूसरे में, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो रहा था रही थी रहे थे लगा रहेगा तो इसमें टाइम दिया रहेगा, और नहीं टाइम दिया रहे तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और टाइम दे दिया तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहेगा तो इसमें टाइम रहे या ना रहे ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देंगे आप है ना, इसलिए कहता है मेहनत ही रंग लाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ डियर। आप लोग इतने बहुत लोग सुस्त हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे बच्चे दिखाते हैं कि सर जो जो भी स्टूडेंट्स मुझे जान लो दिखाते हैं, कभी फोटो क्लिक करके कि सर देखिए मैंने नोटबुक आज तैयार किया, तो प्लीज़ आप नोटबुक तैयार करें क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना अच्छा आपका मेमोरी होगा। तो आइए देखते हैं, इस प्रकार से पास्ट भी खत्म कर दिया गया, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लेंगे डियर आपका, टेंस समझाने का आसान तरीका देख रहे हैं किस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, अगर एक बार देख लेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे डियर है ना, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। कोई भी चीज के लिए आपको राइट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम्स देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। यदि आप किसी भी काम को लगातार करते हैं तो आप उसमें परिपक्व हो जाते हैं, आप उसमें निपुण हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं आप। आइए फिर देखते हैं हम लोग है ना फ्यूचर है ना, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी फ्यूचर सिंपल, या फिर इसी को बोलते हैं है ना फ्यूचर
इंडिफरेंट, यानी इंडिफरेंट कहिए या सिंपल कहिए, दोनों एक ही चीज है आपका। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, सेल या बिल प्लस V1 रहेगा, आप समझ लेंगे है ना। तो इसका पहचानने का रहेगा लास्ट में गा गे गी। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब ये है आपका कि सोचे हैं, अभी हुआ है नहीं सोचे हैं, हम एक अच्छे टीचर बनेंगे तो सोचे हैं अभी है नहीं, अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं लोग हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें फिर जाके ये करेंगे, उसके लिए हमको भी मेहनत करना पड़ेगा और आपको भी अच्छे जो आपने एम रखा है अपना उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा डियर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका होता है आपका है ना सेल या बिल प्लस बी प्लस बी फोर। सर पहचाने कैसे, इंग्लिश में यदि रहेगा कि सेल या बी प्लस बी फोर रहेगा तो हो जाएगा आपका फ्यूचर, दोनों इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में लिख दे रहा हूँ यानी स्ट्रक्चर उनके लिए काम कर जाएगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए उसका हिंदी का जो पहचान है वो करेगा। तो डोंट वरी, मैं बोला दोनों के लिए कॉमन कर दूंगा, ऐसा करूंगा कि दोनों के लिए कॉमन कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट द टीचर इज टीचिंग इन विच मेथड, विच मीडियम इंग्लिश और हिंदी, इट डजंट मैटर, इट ओनली मैटर्स दैट व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर टीचर। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे है ना ईटीसी, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये होता है ना जो भी है, हैव एच प्लस बी थ्री, हैड प्लस बी थ्री, सेल हैव प्लस बिल हैव प्लस बी थ्री है ना डियर। तो ये देखें फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा इसमें सेल हैव, सेल या बिल प्लस हैव प्लस बी थ्री, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव बहुत लोग का गलत आता है इसमें फ्यूचर परफेक्ट में स्पेशल, आप इस चीज को ध्यान देंगे। ये कहता है आपका स्ट्रक्चर फिर से लिख देता हूं, यानी सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक बिल प्लस नोट, यानी पहले नोट आएगा उसके बाद हैव करना है, उसके बाद भीतरी करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट करना है। फिर देखिए आइए अगले सेंटेंस में, यानी अगले स्ट्रक्चर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ऐसा टीचर हूं कि आपको जब पढ़ाने लगा देखूंगा नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप थोड़ा थोड़ा जोक्स भी दीजिए, सर आप बहुत अच्छे जोक्स देते हैं, लेकिन टाइम कहाँ रहता है डियर जोक्स करने का, टाइम कहाँ, मैं बहुत अच्छा हंसा सकता हूँ आप लोग को इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टाइम के कमी होने के कारण आपका लाइव क्लास रहेगा ना डियर, तब मैं फिर देखना आप किस प्रकार करेंगे, उस लाइव अभी बना दो, मुझे इतना उत्साहित करो, इतना इनकरेज करो कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं और आपके बीच लाइव क्लास करूं और आपको एकदम गुनगुनाता रहूं आपके सामने। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये प्रकार रहेगा आपका, सेल या बिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे है ना प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कर रहे थे क्या जी, फोर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग, इंपॉर्टेंट चीज है डियर, फोर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग हम लोग कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन प्लस है ना ऑब्जेक्ट, हैव हैज बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ईयर सिंस, इसमें कर रहे थे हैड बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ईयर सिंस, लेकिन आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा ऑब्जेक्ट फोर या फ्रॉम होगा, फोर या फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जो कि सिंस के बदले फ्रॉम लेता है आपका, और लास्ट में अगर टाइम रहा तो टाइम देंगे, नहीं तो टाइम लेने की जरूरत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, क्लिक स्क्रीनशॉट। अब देखिए डियर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बराबर बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मेरा फर्ज है डियर, आपसे मैं कुछ मांग ले रहा हूं, केवल एक लाइक सब्सक्राइब आप दे देंगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा, बल्कि हमें आप उत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे
ताकि आगे लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। बराबर वीडियो अपलोड होगा, मैं क्षमा चाहता हूं कि कल टेक्नोलॉजी के कारण आपका वीडियो नहीं जा पाया था, तो आज मैं इसीलिए दो वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोग के लिए, है ना। एक पार्ट सिक्स जा रहा है आपके पास और दूसरा आपके पास जाएगा आपका वीडियो, है ना। टेंस समझने का आसान तरीका वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि, है ना, एक बार पढ़ लोगे तो टेंस कभी नहीं भूलोगे। तो इस प्रकार से आप देख भी रहे हो, उसी ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया गया हिंदी वालों के लिए हिंदी भी, और ये इस प्रकार से ये छूट गया थोड़ा सा डियर, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए छूट गया। वो बोल रहे हैं सर कहाँ है, तो इसका होगा आपका चुकूंगा चुकेंगे, चुकूंगा चुकेंगे, है ना, चुका रहेगा चुकी रहेगी इतिसी, और इसमें क्या रहेगा आपका, है ना, ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, या ते हुए रहेंगे। इस प्रकार से आपका टेंस का फिर से समापन हो गया। लेकिन एक और आसान तरीका, इसको जल्दी से क्लिक कर लीजिए, जल्दी से क्लिक कर लीजिए डियर, प्लीज डोंट मेक एनी लेट, अदरवाइज इट विल बी मच लेट। इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ लोग का तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, है ना, कुछ लोग का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि आप पढ़ रहे हैं बराबर चैलेंज, क्योंकि मेरा व्यूज बताता है आप कितने लोगों ने देखा है, मैं बराबर चेक करते रहता हूँ, लेकिन अभी भी सब लोग नाराज कर रहे हैं, सब लोग तो नहीं लेकिन ज्यादा नहीं देखने वालों की 10 मिनट देखते हैं आप लोग फिर छोड़ देते, नहीं सीख पाइएगा डियर, आपकी यही आदत आपको एक दिन, है ना, गड़बड़ राह पे ले जाएगी, है ना। तो इसलिए आप इस चीज को देखें, प्लीज पूरा व्यू करें चैनल को, आप लोग के लिए बनाया गया है, आपको नहीं समझेंगे तब फिर कमेंट आप कर देना कि सर आपको समझाने नहीं आता है। और देखिए कमेंट आया था डियर, जिनका कमेंट आया था वो भी देख लीजिए, ये पार्ट आपका, इस पार्ट में आपका सोल्यूशन मिल रहा है, देख लीजिए आप लोग भी, बच्चे इनको आ भी रहा है वो भी देख लीजिए किस प्रकार से पूछा गया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल एडेड सेंटेंस, डबल एडेड सेंटेंस पूछा गया इनके द्वारा, तो डबल एडेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया होगा डियर कि फर्स्ट वर्ब होगा तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेल्फ ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस लगेगा आपका, है ना, भीतरी, फिर बिफोर अगर जो पहले रहेगा तो बिफोर, बाद रहेगा तो आफ्टर, और जो सेकेंड वर्ब रहेगा डियर उसको हम लोग स्ट्रक्चर देंगे सब्जेक्ट प्लस बी वन या बी फाइव। आप समझ रहे होंगे कि सर इधर आप जब पास्ट परफेक्ट का डबल एडेड बता रहे थे, पास्ट परफेक्ट डबल एडेड सेंटेंस, है ना, तो दोनों को मैं लिख देता हूं एक बार, क्योंकि बताया गया है कि सेंटेंस, है ना, किस प्रकार आप समझेंगे। मैं पहले लिख दिया हूं कि टेंस समझने का आसान तरीका, तो जब समझा ही नहीं सकूंगा तो फिर लिखने से क्या होता है, सिर्फ थंबनेल लगाने से कुछ नहीं होता है डियर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अंदर में कंटेंट जो है आपका कुछ है ही नहीं, तो बच्चे लोग बहुत उस समय बुरा फील करते हैं। लेकिन कुछ नहीं, आप देखिए सामने में कर रहा हूं, पास्ट परफेक्ट डबल एडेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट वर्ब को हम लोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भीतरी, और सेकेंड वर्ब को हम लोग करते हैं, है ना, सब्जेक्ट प्लस वी टू के स्ट्रक्चर से, दोनों में अंतर देख लीजिए। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा तो फर्स्ट वर्ब को करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हेड प्लस भीतरी, और सेकेंड वर्ब यहाँ चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा फर्स्ट वर्ब को करना है फ्यूचर परफेक्ट के नियम से, और सेकेंड वर्ब को करना है आपका, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों का सेंटेंस देख लीजिए, दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो ये देख लीजिए चुका था चुके, यानी था का मतलब जो होता है पास्ट टेंस बीता हुआ, तो दो काम हुआ है, एक मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा गाड़ी का खुल जाना, है ना जी, दो काम हुआ है पास्ट में, मेरा स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का खुल जाना। तो देखिए कौन सा काम पहले हुआ, यानी आपको बताया नहीं कि मेरे स्टेशन पहुंचने
पहुंचने से पहले यानी जब तक हम पहुंचते गाड़ी खुल गई थी। तो पहला वर्ब को करना है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी, तो द ट्रेन क्या करना है डियर, द ट्रेन, फिर क्या करना है हेड, फिर क्या करना है भी, स्टार्टेड, फिर क्या करना है डियर, है ना, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, पहले का क्या है बिफोर, फिर सब्जेक्ट है आपका मेरा, मेरा का मतलब मुझे, तो आई, स्टेशन पहुंचना, तो क्या हो जाएगा वी टू रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। इस प्रकार से डियर स्क्रीन शॉट ले लेंगे, है ना। अब इधर देखिए, है ना, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकेगी, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकेगी, यानी गागेगी का मतलब ये होता है फ्यूचर में, यानी गागेगी का मतलब पहले लिखा गया फ्यूचर में, तब देखिएगी गागेगी है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया आपका, तो डबल एडेड सेंटेंस जब भी रहेगा तो परफेक्ट में रहेगा, और कुछ समझना नहीं, डबल एडेड सेंटेंस जब भी रहा तो परफेक्ट में रहेगा डियर। तो देखिए फर्स्ट वर्ब कौन हुआ, मेरा घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकेगी, यानी बोल रहा है कि जानते हो यार हम घर पहुंचते तो मम्मी ने पहले खाना बना के बैठ जाती है, पहले ही बन जाता है मेरा, तो इस प्रकार से मेरी माँ खाना बना चुकेगी, तो फर्स्ट का हुआ खाना बनाना और दूसरा हुआ तब हम घर पहुंचते हैं। तो फर्स्ट वर्ब को करना है माई मदर, फिर करना है माई मदर के साथ क्या होगा डियर विल, फिर क्या करना है आपका हैव, फिर क्या करना है आपको खाना बनाना का कुकड द फूड या कुड फूड, है ना, कुड द फूड ही करें, फिर पहले का क्या हो जाएगा बिफोर, आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा कि वो है ना सर वहाँ लिखे हैं वी टू, यहाँ लिखे हैं वी फाइव, तो स्ट्रक्चर है डियर, आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, यानी गागे की जब लगा रहेगा तो एक पार्ट को बनाएंगे फ्यूचर पर, फिर दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब था लगा हुआ रहेगा तो एक बात को बनाएंगे हम लोग, एक सेंटेंस को क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, दूसरे को बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन फ्यूचर में एक को फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे को प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो बिफोर आई घर पहुंचा तो रीच होम, है ना, यहाँ पे भी V1 हो गया आपका, देख लीजिए आई के साथ V1 लगता है, आपको बता दिया गया था, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, क्लिक कर लीजिए आप, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर जो नहीं जुड़े आप मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कंपटीशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो CBSE बोर्ड देंगे उनके लिए भी कुछ वीडियो डाला जाएगा, जो बिहार बोर्ड देंगे उनके लिए भी डाला जाएगा, जो नवोदय नेत्र हाट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगा, जो एयरफोर्स की स्पेशली इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आ जाएगा, देख लीजिएगा सारा वीडियो आपको एक में मिलेगा, ऐसा नहीं कि टेंस पढ़ा रहे हैं तो आप लोग के लेवल का नहीं है, पहले शुरुआत होता है आपका स्टार्टिंग से ही, मैथ के बड़े आप स्कॉलर बन जाएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर से ही पढ़ना पड़ता है आपको, डिजिट से ही पढ़ना पड़ता है, कैलकुलेशन होता है आपका, तब ये करना है, मल्टी मैथ कुछ नहीं है, मल्टीप्लेशन डिविजन एडिशन सबट्रैक्शन है ना, इसी ढंग से छोटे छोटे आप सबसे पहले अल्फाबेट सीखे, फिर वर्ड सीखे, फिर सेंटेंस सीखे, फिर डबल एडेड सेंटेंस सीखे, बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है। अब देखिए एक बार और, जो कि और कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए, कि सेंटेंस में तो प्रेजेंट में रहेगा, तो प्रेजेंट को पहचानने का तरीका है या तो डू रहेगा या तो डज रहेगा, या तो V1 रहेगा या तो V5 रहेगा, या तो हैज रहेगा या तो हैव रहेगा, यानी इतना सारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहा तो ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, डू या डज, V1 या V5, यानी V5 का मतलब होता है V1 में एस या ES ऐड करते हैं डियर, डू डज रहे प्रेजेंट टेंस का, V1 V5 रहे प्रेजेंट टेंस का, हैज रहे तो प्रेजेंट टेंस का, और क्या इसमें आ गया एम इज आर रहे तो प्रेजेंट टेंस का, घबराना नहीं है आपको, आपके लिए ही व्यवस्था किया गया। पास्ट टेंस को सीखना है आपको तो पास्ट टेंस में ज्यादा नहीं रहता है, डिड रहता है, हैड रहता है, वाज वर रहता है, वाज और वर रहता है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब देखिए फ्यूचर टेंस समझेंगे हम लोग, फ्यूचर टेंस समझेंगे तो फ्यूचर का नियम है क्या, सेल और विल जिस सेंटेंस में आ गया वो समझ लीजिए फ्यूचर में है, खूब ज्यादा रहा तो आपका इसमें भी हैव आ जाएगा, सेल या विल प्लस हैव प्लस भी थ्री, जो कि अभी तुरंत बताया फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस का। अभी भी अगर जो जिन्होंने मुझे कमेंट भेजा था कि सर डबल हेडेड सेंटेंस वाला आप फिर से करवा दीजिए, उनको फिर भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज हमें दिक्कत हो रही है तो आप जरूर कमेंट करेंगे डियर। और जिनको जिनको अच्छा लग रहा है पढ़ा वो कमेंट करके मेरे हमें इंकरेज करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से टेंस वाला ये हो गया। अब है कुछ बताया गया था, वो कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि कंफ्यूजन में डालते हैं आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी से क्लिक कर लें। मुझे तो मिटाने की बहुत जल्दी रहती है, जल्दी से क्लिक कर लें। अभी भी बहुत कुछ नहीं गया है, इसमें से वर्ब वाज बन रहा, पास्ट में कर लीजिए प्लीज, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी बताया गया था आपको, है ना डियर, अभी बताया गया था आपको कि ता है ती है लगा रहेगा, ता है ती है ते है लगा हुआ रहता है, तो इसको समझते हैं हम लोग क्या चीज, प्रेजेंट इन डेफिनेट में, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में। अब देखिए लेकिन कहेगा आपका दूध उजला होता है, दूध उजला होता है। अब देखिए इसमें भी ता है लग गया, तो इसमें भी ता लग गया है, तो इसमें करेंगे मिल्क व्हाइट्स, मिल्क व्हाइट्स करेंगे डियर, तो हाँ समझना है आपका, है ना। कहता है कि कुछ वाक्य जिसके अंत में होता है, रहता है, लगता है ना, तो उससे और यदि किसी का स्वभाव व्यक्ति यानी दूध है कि दूध का स्वभाव क्या रहता है, उजला होता है, चीनी जो होता है मीठी लगती है, चीनी जो है मीठी लगती है, तो वो सब होगा, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एम इज आर का प्रयोग, तो इसमें करेंगे मिल्क इज व्हाइट रहेगा आपका, चीनी मीठी लगती है या फिर चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी होती है, तो इसमें करेंगे आपको सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। फिर अगर जो पूछ देगा आपको मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य मरणशील होता है, तो आप करेंगे मैन इज मोर्टल। आप सेंटेंस बनाएंगे तो पता चल जाएगा, बहुत लोग मैं खाता हूं तो बोल देता है आई एम इट। आपको सीखने की जरूरत है डियर, आपको सीखने की जरूरत है, आइए इसको जल्दी क्लिक कर लिए, तो कोई जरूरत नहीं कि हमेशा ता है ती है रहेगा, तो आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट देख लीजिएगा, उसमें कोई भर फॉर्म नहीं रहेगा, आसान तरीका बताने का, उसमें कोई भर नहीं रहेगा। मैं बाजार जाता हूं तो जाना एक्शन वर्ड हो गया, लेकिन दूध उजला होता है तो इसमें क्या होगा, होना कोई मीनिंग होता है, होना का मीनिंग आप बिकम लीजिएगा, उसमें मिल्क बिकम व्हाइट गलत हो जाएगा डियर आपको, है ना। तो इससे स्वभाव पता चलता है कि दूध का स्वभाव है कि दूध उजला ही होगा। चीनी कभी नमकीन आप देखे हैं, चीनी कभी नमकीन देखे हैं डियर, तो चीनी मीठी लगती है, मनुष्य मरणशील यानी हम लोग को एक दिन ना एक दिन मरना ही होगा। बहुत लोग सर आप तो मरते मरते बोलते हैं, तो सच्चाई है बेटा, सच्चाई किसी को भी कड़वा लगती है, इसलिए मैं सच बोलता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना, मुझे बोलने की आदत सी लग गई है ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। तो ये प्रकार से ये सेंटेंस ये हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, है ना, दूसरा सेंटेंस आपका इस प्रकार रहेगा कि मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे, मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे, दागे ही लगा है फिर भी, है ना, एक बनाएंगे आप लोग द चीफ मिनिस्टर विल कम हेयर टुमारो, द चीफ मिनिस्टर विल कम हेयर टुमारो, और एक इसी को बनाया जाता है द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, टुमारो द चीफ मिनिस्टर कम विल कम हेयर टुमारो, और ये लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर विल कम हेयर टुमारो, ये गलत हो जाएगा। सर आप क्या बोल रहे हैं, सर गलत हो जाएगा, अभी आप बोलने का आगे लगा रहे हैं तो सेल बिल का प्रयोग होगा, तो डियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यानी फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, भविष्य का मतलब जो आगे दिन आने वाला है तो उसके लिए होता है, तो कहता है मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। एक चीज और, ऐसे सेंटेंस रहेंगे है ना, टेस्ट परीक्षा कल शुरू होगा, टेस्ट परीक्षा कल शुरू होगा, तो यानी कहता है जब एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहे, जब एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहे
इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करके बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से, ये प्लानिंग चल रहा है डियर कि आगे हम चीफ मिनिस्टर आएंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हो जाता है। अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये डेफिनिट है, कहता है कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिसके लास्ट में आगे भी लगा रहेगा और उसमें टाइम पहले से निश्चित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया है, तो उसमें सेल बिल का प्रयोग नहीं करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। सेल बिल का प्रयोग नहीं करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। डियर, आपको समझने की जरूरत है, आप इसको समझेंगे। जब जिस तरह के वाक्य में गागे भी लास्ट में लगा रहे और उसमें समय पहले से निर्धारित कर दिया गया, एक सेंटेंस और क्लियर कीजिए आप। गाड़ी 10 बजे खुलेगी, गाड़ी 10 बजे खुलेगी, है ना, तो ये हो जाएगा द ट्रेन, है ना। बिल नहीं करना है, खुलने का टाइम निर्धारित है कि गाड़ी का खुलने का समय क्या है, 10 बजे। जब सेंटेंस गाड़ी की लगा रहे सेंटेंस के लास्ट में और टाइम पहले से फिक्स कर दिया गया हो तो उसमें सेल बिल नहीं लगा के सब्जेक्ट के अनुसार या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको भी सीखने की जरूरत है डियर। एक से एक नियम बताऊंगा, और अगर जो कमेंट आप करते हैं कि मैंने समझ रहा हूं, है ना, तो फिर भी आपको बताया जाएगा, फिर मैं समझाने का प्रयास करूं। जैसे एक का सेंटेंस आया था कि सर डबल एडिट करवाया, मैं करवा दिया डियर, आप इस बात को माने या नहीं माने। अब देखिए कुछ स्पेशल सेंटेंस देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ स्पेशल सेंटेंस देखते हैं, है ना, जल्दी। अभी भी जो चैनल पे जुड़े हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज कर दीजिए डियर, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी डियर। आप इतने अच्छे हैं और फिर भी आप लोगों को बोलना पड़ रहा है कि लाइक सब्सक्राइब करें, तो ये तो मेरी, है ना समझिए कि आपको नहीं चाहते हो, मैं करवाना चाह रहा हूँ, जिनकी इच्छा होती है वो तुरंत कर देते हैं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता, लेकिन अगर जो कोई कमी है उसमें तो प्लीज आप बताएं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए यहाँ पे है सम स्पेशल सेंटेंसेस, यानी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे होगा मैं वहां जाया करता था, मैं वहां जाया करता था, तो हो जाएगा आई यूज्ड टू गो देयर, ये सब यूज्ड टू का मतलब जाया करता था। सीता गाना गाया करती थी, तो हो जाएगा सीता यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग। अब दूसरे तरह का सेंटेंस क्या हो गया, वह मुझे गाली देने लगी, यानी लगी वाला सेंटेंस जब भी होगा, है ना, तो इसको बनाना है बिगेन से करके, लड़की है लगी है तो सी, फिर क्या कर रहे हैं, बिगेन टू एब्यूज मी, सी बिगेन टू एब्यूज मी, कभी भी लगे रह दिया हुआ आपका, है ना, वह हंसने लगे, जैसे ये देखिए वह हंसने लगी, तो इस प्रकार से लगा लगे कुछ भी रहेगा, वो हंसने लगा तो he began to laugh, वो हंसने लगी तो she began to laugh। बहुत बार आपको ऐसा सेंटेंस पूछा जाएगा डियर, स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट है आपका, मैंने इस ढंग से बहुत लोग कंफ्यूजन के लिए ट्रांसलेशन पूछते हैं, मैं पढ़ता ही तो हूं, तो इसमें इंफेटिक हो जाता है, तो आई डू रीड, एक मैं पढ़ता हूं तो आई रीड होता है, लेकिन मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं जरूर पढ़ता हूं, तो उसके लिए हो जाएगा आई डू रीड हो जाएगा ऐसे सेंटेंस में। एक और क्लियर करेंगे आपका, है ना, राम राम गाता ही तो था, तो था है आपका, तो राम डिड सिंग, राम डिड सिंग, यानी है तो डूडज और था तो डिड हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जल्दी से कर दे डियर, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, जल्दी कर लें इसका, वह पढ़ता रहता है, अब एक घंटा सेंटेंस से वह पढ़ता रहता है, तो ही गोज ऑन रीडिंग, देख लीजिएगा इसको समझिएगा, सेंटेंस में वह पढ़ता रहता था, ये रहता है,
सीता खेलती रहती है, सीता खेलती रहती है, तो सीता गोज ऑन प्लेइंग, सीता गोज ऑन प्लेइंग। इस प्रकार से ये हुआ आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका, है ना, इस प्रकार से जल्दी लिख लीजिए, दो तरह का और बताएंगे, बाकी आपका टेंस समझ लीजिएगा, नहीं भी दिक्कत होगा फिर कमेंट कीजिएगा। अब इस टाइम का सेंटेंस है आपका, मैं पढ़ता रहा, ये देखिए रहा का मतलब ये पास्ट में, रहा का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका पास्ट में, तो इस प्रकार से ये होगा आई वेंट ऑन रीडिंग, आई वेंट ऑन रीडिंग। इसको दूसरे ढंग से कर सकते हैं आप, दूसरे ढंग से क्या कर सकते हैं, आई कंटिन्यूड टू रीड, आई कंटिन्यू टू रीड, या कह सकते हैं आई केप्ट रीडिंग, या इसी को लिख सकते हैं आई केप्ट रीडिंग, आई केप्ट रीडिंग डियर, कोई बात नहीं है, है ना। अब एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है, जल्दी करेंगे फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। वह खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, तो हो जाएगा ही डज नथिंग बट प्ले। वह सोता ही रहता है, सेंटेंस आप समझिए, नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा फिर बताया जाएगा आपको। ही डज नथिंग बट स्लीप, ही डज नथिंग बट स्लीप, ही डज नथिंग बट स्लीप। और इसी में पास्ट दे सकता है आपका, क्योंकि जिसका प्रेजेंट बना उसका पास्ट बनेगा। वह खेलता ही रहा, तो यहां रहता है, रहा तो डिड डज के जब क्या करते हैं केवल, ही डिड नथिंग बट प्ले। वह सोता ही रहा, वह सोता ही रहा, तो हो जाएगा ही डिड नथिंग बट स्लीप, ही डिड नथिंग बट स्लीप, है ना डियर। मैं ऐसा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, अभी भी समझ में इनको नहीं आया है तो वो कमेंट करेंगे फिर आपको वीडियो डाला जाएगा, आपको दिक्कत नहीं कर रहा है, जो समझ में नहीं आता है कमेंट करें कि सर आप इस चैप्टर को फिर से करें, है ना डियर। लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे डियर, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। आज जो पढ़ाया गया है आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, नोटबुक पे बहुत लोगों ने लिखा होगा, उसको एकदम देखिए, नहीं समझ में आता है एकदम कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई एकदम दिया जाएगा। और अभी भी जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज किया, और मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है या सभी फ्रेंड से कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं शुरू में नहीं बोलता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट में देखें, थोड़ा सा देखते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, लेवल वाला सेंटेंस रहता है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस को स्टार्ट में कहां से किया और कहां तक लास्ट किया डियर, इस चीज को देखें, नोट बनाएं। अगर जो आप एक दिन सक्सेसफुल पर्सन नहीं रहेंगे तो बेकार सोलूशन को फ्री याद कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपका। कल का वीडियो जो आएगा नेक्स्ट, वो वर्ब चैप्टर का होगा, पहला कमेंट आया था कि सर वर्ब पढ़ाया जाए तो वर्ब होगा, उसके बाद कमेंट आया था आपका कि सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट करना है वो होगा, फिर आपका कमेंट आया था प्रीपोजिशन, ऐसे ऐसे सारे चैप्टर होते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद डियर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you